हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 इन द लैंड ऑफ जियांट। जियांट्स दानवों की ज़मीन में, मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर करवा दिए हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और इसका जो थर्ड चैप्टर है उसकी मैंने एक्सरसाइज करवा ली है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं। द जियांट फार्मर वॉज एट लीस्ट 6 feet हाई। जो दानव फार्मर मतलब बहुत ही बड़ा था, वो 6 feet ऊंचा था वो एटलीस्ट, तो इसलिए उसको जियांट बोला है। जियांट मतलब दानव राक्षस, तो वो बहुत बड़ा था इसलिए उसे जियांट बोला है, लेकिन वो एक फार्मर है। आई वॉज जस्ट 6, मैं सिर्फ 6 साल का था। ही अंडरस्टूड दैट आई वॉज ए ह्यूमन बींग लाइक हिम, वो समझ गया था कि मैं भी उसके जैसा एक इंसान हूँ। ओनली मच स्मॉलर इन साइज, लेकिन उस बहुत छोटा हूँ। ही स्पोक टू मी इन हिज लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में मुझसे बात कर रहा था। द साउंड ऑफ हिज वॉइस वॉइस लाइक अ वाटर मिल, उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वाटर मिल, पानी के झरने गिर रहे हों। आई स्पोक इन इंग्लिश इन द लाउड वॉइस, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था तेज़ी से। ही कैरीड मी नियर हिज ईयर, उसने मेरे को बिठाया, उसने मेरे को लिया अपने कानों के पास। बट इट वॉज़ नो यूज़, लेकिन इसका कोई मतलब ना रहा। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, हम नहीं समझ पा रहे थे एक दूसरे की भाषा। द फार्मर टुक आउट हिज हैंकरचीफ, फार्मर ने अपने रुमाल निकाला, डबल किया एंड लेट इट इन ऑन हिज पाम, और अपने हथेली पे बांध लिया। ही पुट मी ऑन इट, और उसने मेरे को उसमें लिया। आई कुडंट स्टैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हिज हैंड, में खड़ा नहीं हो पाया था उसके हाथों के हिलने के कारण। सो आई ले एट माई फुल लेंथ, तो मैं लेट गया मेरी फुल लेंथ में। देन ही कवर्ड मी विद द एंड ऑफ हिज हैंकरचीफ, उसने मुझे बांध लिया अपने रुमाल में एंड टुक मी होम, और अपने घर ले गया। वेन द फार्मर रीच होम, जब वो फार्मर अपने घर पहुँचा, ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, बुलाया। हिज वाइफ वॉज टू जियांट वूमेन 6 feet वीमेन हाई, उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो भी ऐसी जॉइंट बहुत ही बड़ी थी, उसकी हाइट भी 6 feet ऊंची थी। दे हग्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को हग किया उन लोगों ने, हग मतलब गले मिले। देन ही शोड मी टू हर, फिर उसने मुझे दिखाया उसको, उसकी वाइफ को। शी स्क्रीम एंड रैन बैक फ्राइटेंड एज सी अ स्पाइडर और लिजार्ड, वो तेज चलाई और वहाँ भाग के अंदर चली गई डर के मारे, जैसे उसने देख लिया हो कोई मकड़ी या कोई छिपकली। इट टुक हाउएवर लॉन्ग टाइम व्हेन हर हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट मी, ये बहुत टाइम हो गया जब उसके हस्बैंड ने मेरे टोल्ड हर, उससे कुछ कहा मेरे बारे में। शी वॉच्ड माई बिहेवियर, वो मेरा बिहेवियर देख रही थी, वो मेरा व्यवहार देख रही थी। एंड स्लोली बिगेन टू टच मी, फिर धीरे धीरे वो मुझे छूने लगी। एंड लिफ्ट मी, फिर उसने मुझे उठाया। एंड शी बिहेव लाइक वेरी काइंडली विथ मी, वो मेरे से बहुत ही दया से बिहेव कर रही थी, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही थी। इट वॉज द लंच बाई, अब वो लंच का समय हो गया। सो ऑल द पीपल इन द फैमिली टुक देयर सीट इन द एट द टेबल, सारे घर के लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। देवर अ स्मॉल फैमिली, वो बहुत ही छोटी फैमिली थी। द फार्मर, उसकी वाइफ, 3 children, 3 बच्चे एंड ओल्ड ग्रैंड मदर, और एक बूढ़ी माँ। देयर वॉज ओनली 1 dish, गुड डिश इज डिलीशियस फूड, उनका सिर्फ एक ही खाना रहता था, वो बहुत ही स्मेल बहुत ही अच्छा था। आई कुड स्मेल, मैं सूंघ सकता था, बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी। इट वॉज अ ह्यूज प्लेट अबाउट 24 feet इन डायमीटर, बहुत ही बड़ी प्लेट थी जिसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब जो सर्कल रहता है ना, सर्कल के बीच का उसे बोलते हैं, जो सेंटर होकर लाइन निकलती है उसे डायमीटर बोलते हैं। तो 20 डायमीटर जो था 20 feet था, 24 feet था, 24 feet, इतना लंबा था, इतनी लंबी प्लेट थी, डायमीटर उसका इतना था। द टेबल वॉज 30 feet हाई,
जो टेबल थी वो 30 feet लंबी ऊंची थी। द फार्मर पुट मी ऑन द टेबल, फार्मर ने मुझे टेबल पे बैठाया। आई वॉज टेरिबल फ्राइटेंड, मैं बहुत ही डर रहा था। एंड केप्ट एज फार एज आई कुड ऑन द एज ऑफ द टेबल, और मैं कोशिश कर रहा था टेबल को पकड़ने की, दूर होने की। द फार्मर वाइफ प्लेस सम फूड बिफोर मी, फार्मर वाइफ मेरे से पहले कुछ खाना लाई। आई बो लो टू द फार्मर, मैं फार्मर की तरफ झुका। एंड हिज वाइफ बिगेन टू हिज, और उसकी वाइफ खाना खाने लगे। ऑल वर डिलाइटेड टू सी मी ईटिंग, सब बहुत खुश हो रहे थे मुझे देखकर। द मिस्ट्रेस सी, मुझे देखकर खुश हो रहे थे, खाना खा रहे थे। द मिस्ट्रेस सेंड हर मेड, जो मालकिन थी उसने अपनी नौकर से कहा, आ फेस्ट टू स्मॉल मेडिसिन कप, एक छोटा सा मेडिसिन का वो आता है ना कप जिससे अपन दवाई पीते, वो लाने को कहा। इट हेल्ड अबाउट 3 gallons टू ड्रिंक, मतलब इस उसमें है ना 3 gallon, 1 gallon मतलब 4 liter, 4 liter होता है, तो 3 होगा तो कितना होगा 12 liter का उसने पिया। आई लिफ्ट द कप विथ ग्रेट डिफिकल्टी इन बोथ हैंड, मैंने कप को बहुत ही मुश्किल से उठाया अपने दोनों हाथों से। देन इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर, फिर मैंने बहुत ही ड्रैंक टू द हेल्थ स्पीकिंग आउट ऑफ वर्ड लाउडली, फिर मैंने बहुत ही अच्छे से पिया और हेल्थ स्पीकिंग आउट बहुत तेज़ी से वर्ड्स बोले। इट मेड देम ऑल लाफली हार्डली, और इस मैंने ना बहुत तेज़ी से उनसे कुछ बोला जिससे वो सब है ना उन लोगों को बहुत तेज हंसी आई। आई ऑलमोस्ट वेंट डीप विद द लाफिंग नॉइस, मैं बस बहरा ही हो जाता उनकी हंसी की आवाज़, उनकी हंसी की आवाज़ से। द ड्रिंक टेस्टेड गुड, जो ड्रिंक का स्वाद था वो बहुत अच्छा था। नाउ द मास्टर फार्मर मेड मी अ साइन फॉर मी टू कम टू हिज साइड, फिर जो फार्मर था उन्होंने बोला कि मेरी साइड आ जाओ। एज आई वॉक, जैसे ही मैं चला, आई स्टेम्बल अगेन अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड, मैंने अपना आपा बैलेंस खो दिया, मतलब लड़खड़ा के चल रहा था अगेंस्ट द क्रस्ट ऑफ, क्यों, क्योंकि ब्रेड की पपड़ी गिरी हुई थी तो फेल फ्लैट, वो मुझे गिरा दी। आई गॉट अप वंस में एंड सो द गुड पीपल वेयर एंड स्टैंडिंग अराउंड, मैंने देखा एक बार में सारे अच्छे लोग जो मेरे आगे पीछे खड़े थे। आई टुक माई हेड, मैंने अपनी टोपी उठाई, वेव इट ओवर माई हेड और मेरे सर पे रखी। एंड बो लो 3 times और 3 times सबके आगे झुका। देयर वर अ ग्लैड टू सी दैट आई वॉज नॉट हर्ट, ये उनको देवर वो बहुत खुश हुए कि मैं दुखी नहीं था, वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि मैं दुखी नहीं था। जस्ट देन द यंगेस्ट सर ऑफ द फार्मर, फिर उसके बाद जो फार्मर का छोटा बेटा था, अ बॉय ऑफ 10 जो 10 साल का था, टुक मी अप बाय हिज लेग, मुझे अपने पैरों पे, उसने अपने मेरे पैर उठा लिए। एंड हेल्ड मी इन द एयर, और मुझे हवा में घुमाने लगा। ये देखो, ये राइटर को उसका बेटा घुमा रहा है, ये बेटा है और ये राइटर है। I was shaking all over with fear, मेरे को ऐसे हिलाया था, मैं डर के मारे मैं बहुत ही डर रहा था। But his father snatched me from him, उनके पापा ने मुझे छीन लिया उससे। And scolded him for his bad manner, उसे खूब डांटा उसके। When we are half way through our lunch, जब हमारा आधा लंच हो गया था, their pet cat jump into the lap of the mistress, उनकी एक पालतू बिल्ली थी वो मालकिन के गोद में आके बैठ गई। When I heard the purring noise of the cat, जब मैंने उसकी घुर्राने की आवाज़ सुनी, I turned my head, मैंने अपना सिर घुमाया। The animal was 3 times the size of ox, वो बैल से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। It frightened look me the tremble, वो उसका इतना खतरनाक लुक देख के मैं डर रहा था। I could not move out of fear, मैं डर के कारण मैं हिल नहीं पा रहा था। 3 dogs of the farmer came into a room for a leftover, हाँ 3 dogs आए फार्मर के कमरे में और बचा हुआ खाना लेने के लिए, बचे हुए खाने के लिए। वन ऑफ देम वॉज अ मैसिव, बहुत ही बड़ा डॉग था, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, द साइज ऑफ 4 elephants, 4 हाथियों का जितना साइज था उसका। अ ग्रे होल्ड,
हाँ बहुत ही खतरनाक, समवाट टॉलर देन मैस्टिफ बट नॉट सो बिग, लेकिन वो बहुत ही भयंकर था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। इसका सेकंड पार्ट है जो एंड स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जाके देख लेना, टाइम बहुत हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।